नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिवादन है आपका। बड़ी बात हम बता दें, आज मरू शहर बीकानेर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। जब नीट की तैयारी के बाद में परीक्षा परिणामों की शक्ल में किसी भी इंस्टीट्यूट के एक साथ 200-150 के करीब बच्चे पास हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ माहौल कैसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 17 वर्षों से सिंथेसिस बीकानेर का वो इंस्टीट्यूट बन गया है जहाँ पर बच्चा एक उम्मीद के साथ में एडमिशन लेता है, पेरेंट्स की उम्मीदें बढ़ जाती है। और टीम सिंथेसिस की मैं अगर बात करूँ तो एक ऐसी मजबूत टीम है जिसने देश भर के जो ख्यातनाम इंस्टीट्यूट है उनको टक्कर देने का काम किया है। पहली बार सिंथेसिस के दो लड़कों ने 720 में से 700 क्रॉस किया है और ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जब भी सिंथेसिस की फैकल्टी और मैनेजमेंट से बात होती है तब हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि वे अपना ही रिकॉर्ड सुधारते हैं। आज हमारे साथ में सिंथेसिस के वो सफलतम बच्चे हैं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सोचें, 661वीं AIR के साथ में 700 में से 691 नंबर इनको मिले हैं और नीट में इनका चयन हुआ है। चेहरे पर खुशी है, मायूसी तो नहीं है ना? खुशी है। अच्छा, इसी इंस्टीट्यूट में आपके साथी यश शंगानी और एक और जिन्होंने 700 अप किया, आप कहीं कहीं मुझे लगता है कि आप भी 700 के क्लब में शामिल हो जाते, कहाँ चूक रह गई थी? एक OMR गलत वर्ती मैंने और एक OMR टाइम के वजह से छूट गई मेरी, तो वहाँ पे मेरे 9 मार्क्स रह गए। 9 मार्क्स रह गए, कहीं कुछ मलाल है लेकिन लगता है कि ठीक है, जो भी है ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। अब क्या एम है, आगे कहाँ जाना चाहेंगे? आगे काउंसलिंग के हिसाब से तो लग रहा है जो पास्ट ईयर के हिसाब से जो कॉलेजेस मिले हैं इस नंबर पे, इस रैंक पे, जोधपुर एम्स लग रहा है कि वो मिल जाएगा, तो कोशिश वहीं पे है एम्स जोधपुर मिल जाए तो। अच्छा, जब आपने एग्ज़ाम दिया था, जब आपने तैयारी की थी, तैयारी से पहले आपको कॉन्फिडेंस था कि ये साल आपका है, इस साल आपको अपना अचीवमेंट करना है जो आपने तय कर रखा है? सिंथेसिस के जो पेपर थे उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इवन जो हमारा लास्ट पेपर था जस्ट हमारे नीट के एग्ज़ाम से पहले, वो बहुत ज़्यादा लेवल में मैच कर रहा था जो हमारा नीट का पेपर आया था, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला उस लास्ट पेपर से, क्योंकि उसका लेवल बहुत मैच कर रहा था ओरिजिनल नीट पेपर से। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, सिंथेसिस पिछले लंबे समय से यहाँ पर सफलताओं के कीर्तिमान कायम कर रहा है। सिंथेसिस में जब आपने एडमिशन लिया तब आपको किसी ने कहा होगा यार सिंथेसिस कहीं और चले जाओ और कहीं कर सकते हो, आपने सिंथेसिस का चयन क्यों किया? मेरी दीदी ने यहाँ पे 11th 12th और एक टारगेट किया था। ओके, और दीदी ने बहुत अच्छी तरह किया, मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है टीचर, इसलिए मुझे लगा कि इससे बेटर और क्या हो सकता है अपने। अच्छा, पास में इतनी बढ़िया कोचिंग है। सिंथेसिस के डायरेक्टर एक नहीं दो नहीं तीन है और तीनों ही लगता है जैसे तीन शरीर एक जान है। आपको कहीं ऐसी फीलिंग आई कि श्वेत सर, जेठमल सर, मनोज सर, ये तीनों एक ही हैं? हाँ, मतलब सिंथेसिस में जो भी काम होता है मेनली वो सारा तीनों के इंटरेक्शन से होता है, इंटरेक्शन से अकेला नहीं कर सकता तीनों। अच्छा, जिनमें अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। वे बच्चे जो कहीं कहीं थोड़ा मायूस हो रहे होंगे, जो मुहाने पर आकर के रुक गए हैं या मेहनत तो उन्होंने की लेकिन उनको अपेक्षित सफलता ही नहीं मिली, आप सफल हो गए, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? मेरी दीदी भी थी, मैंने देखा था कि 12th के साथ नहीं हुआ, फिर 566 आए थे, नहीं हुआ था, मैंने अपनी दीदी को देखा था, बहुत मायूस रहती थी। दीदी को भी हम घर पर मोटिवेट ही करते थे कि एक साल और हो जाएगा, क्या पता आपके इस बार अच्छे नहीं आए, अगली बार एम्स लिखाओ, थोड़े से ज़्यादा आ जाते, 600 क्रॉस हो जाता, अच्छा नहीं मिलता, इस बार क्या पता आपके 650 प्लस 680 प्लस 700 आए, अगली बार क्या पता आपके एम्स लिखा है, आपको थोड़ा सा और आगे नहीं जाना था, आपको एम्स लिखा है, अगले साल एम्स मिलेगा आपको। अच्छा, तो कोशिश करते हैं। अब जो हैं आप MBBS करेंगे, उसके बाद कहीं एक ड्रीम आपके दिमाग में होगा कि आपको एक स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में लेना है, बड़े होकर के आगे चल करके किस बीमारी को आप जो है मानते हैं कि ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप करना चाहते हैं? बीमारी का इलाज वैसे तो बहुत है, जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे मेरे फादर की किडनी की प्रॉब्लम थी तो वो हो गया, बाकी एक बार जब MBBS हो जाएगी, PGA आएगी, तब तक मुझे एक अच्छा नॉलेज होगा कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो तब पता चलेगा, वो MBBS करने के बाद आप तय करेंगे। उन लोगों को जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता भी यही कहना चाहूँगा कि सिंथेसिस के टीचर्स ने अच्छा गाइड किया, खासकर डायरेक्टर्स श्वेत सर, जेठमल सर, मनोज सर, इनकी गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कोचिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं,
जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ वही उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिंथेसिस में इवन एक लास्ट बेंचर पे भी ध्यान दिया जाता है, डायरेक्टर सर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जो फैकल्टी है बाकी वो देती है, इवन डायरेक्टर्स भी देते हैं। वो अगर आप नहीं भी बोल रहे ना तो भी वो अपनी तरफ से दो तीन बार कोशिश करते हैं कि आपको फोर्स कर सके कि आप पढ़ो। थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।